सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि मैंने कुछ दिन आगे आप लोगों के साथ शेयर किया था रियलमी का एक अपकमिंग डिवाइस के बारे में, जिसके अंदर हमें काफ़ी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के साथ देखने को मिलेगा। इसका स्केच रेंडर और जो है इसका पेटेंट भी फाइल कर दिया है दोस्तों रियलमी की तरफ से। और ये फ़ोन हो सकता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस है कि रियलमी का जो नंबर सीरीज़ है ना, रियलमी 8 सीरीज़ के अंदर लॉन्च हो जाए। अंडर डिस्प्ले सेल्फी शूटर कैमरा के साथ आने वाला है और ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले ZTE ने इम्प्लीमेंट करके लॉन्च किया था अपने स्मार्टफोन के अंदर। दोस्तों यहां पे अब जो है रियलमी भी लॉन्च करेगा अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी को। दोस्तों इसका ऑफिशियल जो कंफर्मेशन है ना, अब मिल चुका है। इसका एक इमेज भी, टीजर इमेज भी लीक होके आ चुका है, जिसके बारे में हम आगे बातें करेंगे। दोस्तों जो भी लीक्स एंड रूमर्स के हिसाब से इस फ़ोन के बारे में इन्फॉर्मेशन निकल के आ चुका है, सब कुछ जानेंगे। इस फ़ोन का लॉन्चिंग जानेंगे, प्राइसिंग जानेंगे और साथ में स्पेसिफिकेशन और फीचर भी जानेंगे। सो अगर अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल पाए। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोगों से लाइक कर देना एक इस वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो न्यूली लीक टीजर इमेज रियलमी का जो अपकमिंग डिवाइस होगा ना, इसके रिगार्डिंग निकल के आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। इस बार आपको टीजर इमेज देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों पहले जो लीक हुआ था वो था स्केच रेंडर, अब जो है टीजर इमेज है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले जो है देखने को मिल जाता है। नो नॉच, नो पंच होल कटआउट, पूरा का पूरा जो है आपको डिस्प्ले मिलता है। दोस्तों बेसिकली ये टेक्नोलॉजी जो काम करता है ना, आप इस वीडियो के अंदर देख पाओगे। डिस्प्ले के पीछे ही कैमरा को इंप्लीमेंट करके दिया जाएगा और थोड़ा सा पार्ट जो है डिस्प्ले का ट्रांसपेरेंट रहेगा जब कैमरा ओपन होगा। तो ये जो वीडियो है ना, ये बेसिकली ZTE का जो अंडर डिस्प्ले कैमरा स्मार्टफोन है, उसी स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग वीडियो है जो कि अनबॉक्स थेरेपी ने अपलोड किया था अपने चैनल के ऊपर। येस गाइज, इट्स फ्यूचर और यही सेम सिमिलर टेक्नोलॉजी जो है रियलमी का अपकमिंग डिवाइस के साथ हमें देखने को मिलेगा। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस है कि ये फ़ोन नंबर सीरीज़ के अंदर रियलमी 8 सीरीज़ हो सकता है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में ज़रूर से मुझे बताना गाइज। इसी स्मार्टफोन का जो स्केच रेंडर निकल के आया था ना, यहाँ से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलता है। इस फ़ोन में आपको 3.5mm ऑडियो जैक मिलेगा, 200 USB टाइप सी पोर्ट होगा और गाइज यहाँ पे फुल व्यू डिस्प्ले तो आपको मिलता है, कोई नॉच, आपको कोई पंच होल कटआउट नहीं मिलेगा। अंडर डिस्प्ले कैमरा जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को मिल जाएगा इस फोन के अंदर। 200 साथ ही साथ पीछे आपको मिल सकता है क्वाड रियर कैमरा जो कि स्क्वायर मॉड्यूल के साथ आपको देखने को मिलेगा। अभी चलो बात कर लेते हैं कुछ रूमर्स के बारे में जो कि इस फोन के रिगार्डिंग निकल के आया है, लेकिन ये कितना ज़्यादा एक्यूरेट है इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है दोस्तों। मुझे जहाँ तक लगता है सब कुछ फेक है। दोस्तों सबसे पहला जो रूमर है, यहाँ पे रियलमी का जो अपकमिंग डिवाइस आएगा ये नंबर सीरीज़ के अंदर रियलमी 8 सीरीज़ हो सकता है, जहाँ पे आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा। इस फ़ोन के बारे में सिर्फ अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी का ही फीचर जो है ऑफिशियली कंफर्म हुआ है, बाकी दोस्तों इसका नाम क्या होगा इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के आया है दोस्तों। और भी कई सारे रूमर्स इस फ़ोन के बारे में निकल के आ चुका है, जैसे कि कैमरा को लेके 108 megapixel का कैमरा मिल सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है रियलमी का जो अपकमिंग डिवाइस होगा अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी के साथ, क्या इस फोन में आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा या तो फिर नहीं। दोस्तों 65 वॉट सुपर फास्ट चार्जिंग मिलेगा, ये मिलने का चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है क्योंकि रियलमी 7 सीरीज़ के अंदर आपको मिल रहा है 65 वॉट का सुपर फास्ट चार्जिंग, वो भी अंडर 20,000 प्राइसिंग रेंज में। दोस्तों यहाँ पर जो रियलमी का अपकमिंग डिवाइस होगा ना अंडर डिस्प्ले कैमरा के साथ, ये सबसे पहले चाइना के अंदर जाएगा, फिर जाके ग्लोबली और इंडिया के अंदर भी लॉन्च होगा। सो यही कुछ फीचर और स्पेक्स जो है लीक हुआ है, बाकी हम लोगों को वेट करना पड़ेगा ऑफिशियल कन्फर्म स्पेक्स के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।